जिस वक्त धीरे धीरे युद्ध के बाद एक एक करके योद्धा जब मारे जाने लगते हैं और जब कुंभकर्ण की बारी आई थी तो कुंभकर्ण, आपको पता है ना कुंभकर्ण कैसा था, बहुत विशाल काय कद वाला इंसान, बहुत विशाल काय कद वाला इंसान। और कुंभकर्ण एक बार 6 महीने में उठता था, खूब जमकर खाता था, फिर सोता था तो 6 महीने तक सोया रहता था। जब लड़ाई चल रही है उस वक्त कुंभकर्ण को जगाने के लिए जब रावण ने संदेशवाहक को भिजवाया था तो कुंभकर्ण की जब नींद खुली थी बड़ी मुश्किल से, तो कुंभकर्ण उठकर पूछा था कि क्यों जगाया, निद्रा क्यों मेरी भंग कर दी। तो संदेशवाहक कहता है कि श्री राम ने चढ़ाई कर दी है लंका पे, क्यों? तो हमारे राजा ने, लंकेश ने माता सीता का अपहरण करके वो लेकर आया, अशोक वाटिका में रखा है, जिसके कारण से राम की सेना ने चढ़ाई कर दिया है। कुंभकर्ण कहता है अरे कैसा दुष्ट है वो, भाई ही भाई को कहता है कैसा दुष्ट है वो, उसको पता नहीं कि सीता भगवती सीता है, वो आतिशक्ति है, वो साक्षात ईश्वर है, ईश्वर स्वरूपा है, और उसके अपमान के साथ उसको लेकर आया है, अपमानित कर रहा है, बोलो उसे ससम्मान सीता को वापस कर दे, ससम्मान सीता को वापस कर दे, ऐसे डांट कर जब भगाया था कुंभकर्ण ने, तो संदेश वाहक जाकर बोला था रावण को कि आपके भ्राता श्री तो ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। रावण कहता है कि सुनो, जाओ उसे जमकर खिलाओ पिलाओ, खूब बढ़िया से खिलाओ, क्या खिलाना, खूब मांसाहार भोजन कराओ, खूब मदिरापान कराओ, जितना चाहे उतना खिलाओ। और खूब जमकर सेवकों ने खिलाया, मदिरा पान कराया। तो उसके बाद से जब सेवक कहता है कि प्रभु अब लंकेश ने बुलाया है आपको, वो कहता है क्यों बुलाया, तो बुलाया है क्योंकि राम ने हमला कर दिया है लंका के ऊपर, राम की सेना से लंकेश को बचाने के लिए आपको बुलाया है, क्यों हमला किया, रावण ने अपहरण करके सीता को लाया है और राम ने हमला कर दिया, राम ने हमला कर दिया, इतनी हिम्मत हो गई राम की, जो राम ने हमला कर दिया उसकी इतनी हिम्मत हो गई, मैं चलता हूं, मैं युद्ध करूंगा और एक एक करके सबको नष्ट कर दूंगा, सबको खत्म कर डालूंगा। क्या हुआ इस कुंभकर्ण को, आखिर वही कुंभकर्ण जो कहता है भगवती सीता भगवान स्वरूपा है, आदि शक्ति है, अपमान मत करो उनका, बोलो ससम्मान वापस करे, वही कुंभकर्ण बाद में कहता है नहीं, राम की इतनी हिम्मत हो गई जो चढ़ाई कर दिया लंका पे, मैं चलता हूं पूरी सेना को और साथ में राम को भी खत्म कर डालूंगा अकेले। क्या हुआ था, एक ही आदमी दो भाषाएं क्यों बोल रहा है, सोचिए जरा क्यों बोला ऐसा, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन हो जाता है। पहले जब सो के उठा था तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब रावण ने संदेश सुना और संदेश को सुनने के बाद जब वो कहता है कि जाओ खूब मदिरा पान कराओ, खूब व्यसन कराओ, खूब मांसाहार भोजन कराओ, तब क्या होगा, दूषित भोजन डालो उसके अंदर, और जब दूषित भोजन से जो ऊर्जा मिलेगी तो दूषित मन हो जाएगा, और दूषित मन होगा तो मेरे दूषित गतिविधि में दूषित मन ही सही होगी बनेगा। यानी शुभ काम वही कर सकता है जो शुभ विचार रखता हो, और अगर किसी से अशुभ कार्य कराना है तो पहले अशुभ विचार उसके मन में जागृत करने शुरू कर दो, स्वतः वो आदमी अशुभ गतिविधियां करने लगता है। यानी आपके अन्न का प्रभाव आपके मन पे पड़ता है, और मन का प्रभाव आपके निर्णय पे पड़ता है, और निर्णय का प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है। ये देवी भागवत महापुराण में मां भगवती सीता भी मां भगवती ही है, गिरजा कुमारी भी मां भगवती के रूप में ही है, मां आदिशक्ति मां भगवती के ये आशीर्वाद से श्री राम आगे की तरफ बढ़े थे। कथा क्या कहती है कुंभकर्ण के माध्यम से, कथा हमें आईना दिखाती है कि हमारे विचारधाराएं किसके प्रभाव में आते हैं। कभी हमने सोचा कि जो हम अन्न खाते हैं, जो भोजन करते हैं, वो हमारे अंदर कैसे विचार जागृत करेंगे, अच्छे या बुरे? हमें तो अच्छा लगता है क्योंकि हम सोचते हैं जुबान पे स्वाद अच्छा है तो ठीक है कुछ भी खा लो। ध्यान रखना, अगर आप जीवन में आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हो सच्चे अर्थों में, तो भोजन सोच समझ के करना। ये मत सोचना कि कुछ भी खा लेंगे मन को शुद्ध ही रखेंगे। कई लोग ऐसे मिलते हैं
जो मुझे कहते हैं कि क्या जरूरत है पूजा पाठ करने की, क्या जरूरत सत्संग प्रवचन सुनने की। मन चंगा तो पठौती में गंगा, ये कहावत बड़ी चलती है, लेकिन मन चंगा कैसे होगा इसके बारे में नहीं सोचते। खाएंगे, मदिरा पान करेंगे, व्यसन करेंगे, मांसाहार भोजन करेंगे, किसी को रुला के और दुखी करके उसके भोजन को करेंगे, कहीं से भोजन छीन के करेंगे, चोरी से, गलत कार्यों से कमाए हुए पैसे से भोजन करेंगे, तो दूषित अन्न होगा और दूषित अन्न से दूषित मन होगा और दूषित मन से दूषित गतिविधियां होगी। मन चंगा ऐसे नहीं हो जाता, मन चंगा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। और मन चंगा होगा तो कठौती में गंगा होगी, लेकिन पहले मन ही चंगा नहीं हो पाता, और ये सारा खेल तो मन का ही है ना। आखिर मन ही तो डोल गया था रावण का ना, नहीं तो रावण जैसा प्रतापी, रावण जैसा तपस्वी तो श्री राम भी नहीं थे। लेकिन क्या फर्क पड़ा कि सारे के सारे देवी देवता जो लंकेश के साथ हैं, सबने साथ छोड़ा और राम के साथ हो लिए। राम के साथ हो लिए जो वनवासी है, जिनके पास कुछ नहीं है उसके साथ हो लिए। फर्क सिर्फ एक था, एक का मन निर्मल था, श्री राम का मन निर्मल था और रावण का मन दूषित था। एक बार की बात है, जब श्री राम बैठकर योजना बना रहे थे कि कैसे कैसे लंका पे चढ़ाई करनी है, कैसे कैसे लड़ाई लड़नी है, उसी वक्त अपने सभी सहयोगियों के साथ, जामवंत के साथ, अंगद के साथ, नील के साथ, हनुमान जी के साथ, सबके साथ बैठकर श्री राम विचार मंथन कर रहे हैं, उसी वक्त विभीषण और कुछ अपने दो तीन असुरों के साथ विभीषण चला आ रहा होता है। विभीषण जब आ रहा होता है तो अंगद ने और नील नल ने जब देखा था विभीषण को आते हुए, तो श्री राम कहते हैं, प्रभु वो देखो असुर राज रावण का भाई विभीषण हमारे तरफ चला आ रहा है, हमारी छावनी में, सतर्क रहना प्रभु, सतर्क रहना, क्योंकि दुश्मन का भाई है, धोखा दे सकता है हमें, हमारे पास आ रहा है। भगवान श्री राम ने बहुत ही कोमल भाव से मुस्कुराते हुए भगवान श्री राम ने कहा था, चिंता मत करो, मेरे पास वही आता है जो निर्मल मन का होता है, मेरे पास दूषित मन वाले लोग नहीं आते हैं, निर्मल मन वाले ही आते हैं। और जब विभीषण आया तो विभीषण भी शुद्ध सात्विक मन वाला ही आया, और अंतिम समय तक विभीषण ने भगवान श्री राम का साथ दिया। हम भी चाहते हैं ना भगवान को पाना, मंदिरों में उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन सब करते हैं मगर फिर भी भगवान नहीं मिल पाते हैं, तो मन में झांक कर देखने की जरूरत है, कहीं कोई मल मन में तो नहीं है, क्या मन मेरा निर्मल हुआ। अगर मन निर्मल हो जाता है तो भगवान आसपास में नहीं मिलेंगे, कहीं दूर भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं। मन के ऊपर हमेशा चौकसी बनाए रखें, हमेशा मन के ऊपर अपने शुद्धता को बरकरार रखें। मन जैसे जैसे शुद्ध होगा उतनी मात्रा में आपकी शुद्धता बढ़ती चली जाएगी। कैसे भगवान को खुश करें, कैसे भगवान हमारे करीब में आए, बहुत साधारण सी छोटा सा नियम है। भगवान को पाना है ना, भगवान के समीप जाना है, मन को निर्मल करना है, एक नियम अपना लेना अपने दिन में, जब दो लोग या दूसरे कोई भी लोग दुखी हो, जब दूसरों के दुख से आप दुखी होते हो, अपने दुख और दूसरों के दुख से जब आप दुखी होते हो तो भगवान की तरफ बढ़ते हो, जब अपनी खुशी और दूसरों की खुशी से आप खुश होते हो तो भगवान की तरफ बढ़ते हो, जब अपनी खुशी से खुश होते हो और दूसरों की खुशी से दुखी होते हो तो शैतान की तरफ बढ़ते हो, जब अपने दुख से दुखी होते हो लेकिन दूसरों के दुख से खुशी होते हो तो शैतान की तरफ बढ़ते हो। यानी जैसा अंदर है वैसा ही अगर बाहर है तो आप ईश्वर की तरफ यात्रा चल रही। लेकिन समाज में क्या हो रहा है, पड़ोसी दुखी हो तो हम खुश हो जाते हैं, अच्छा हुआ बिजनेस ठप हो गया, बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन अगर हमारे बिजनेस में कुछ घाटा हो जाए तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। नहीं, अगर भगवान को सच्चे अर्थों में पाना है तो दूसरों के दुख से आप भी दुखी हो, दूसरों के खुशी में आप भी खुशी मनाओ।